पिछले एपिसोड में आपने देखा कि जग्गा और धमाका सिंह दोनों एक गुफा में फंस जाते हैं। धमाका सिंह गुफा में और अंदर जाता है तो उसे तीन तिजोरी मिलती है। पहली तिजोरी गोल्ड की है, दूसरी तिजोरी सिल्वर की है और तीसरी तिजोरी डायमंड की है। तीनों तिजोरियों पे कुछ लिखा हुआ है। गोल्डन तिजोरी पे लिखा है चाबी मेरे पास है, सिल्वर तिजोरी पे लिखा है चाबी मेरे पास नहीं है और डायमंड तिजोरी पे लिखा है चाबी गोल्डन बॉक्स में नहीं है। अब इनमें से बस एक तिजोरी ही सच बोल रही है। क्या आप ध्यान से सोच के बता सकते हैं कौन सी तिजोरी सच बोल रही है और की कौन सी तिजोरी में है? ध्यान से सोचिए और समय के लिए वीडियो को पॉज कीजिए। समझ लीजिए, गोल्डन तिजोरी में चाबी है। गोल्डन तिजोरी बोल रही है चाबी मेरे पास है, मतलब ये सच हो गया। सिल्वर तिजोरी बोल रही है चाबी मेरे पास नहीं है, ये भी सच हो गया, मतलब दो सच हो गए। इसका मतलब गोल्डन तिजोरी में चाबी नहीं हो सकती, नहीं तो दो सच हो जाएंगे। अब समझ लीजिए चाबी सिल्वर तिजोरी में है। गोल्डन तिजोरी चाबी मेरे पास है, झूठ। सिल्वर तिजोरी चाबी मेरे पास नहीं है, झूठ। डायमंड तिजोरी चाबी गोल्डन बॉक्स में नहीं है, सच। एक सच, मतलब चाबी सिल्वर तिजोरी में ही है। आप सेम चीज डायमंड तिजोरी के साथ करके भी देख सकते हैं। इतनी मस्त पहेली के लिए जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए। धमाका सिंह सिल्वर तिजोरी के पास जाता है लेकिन ओपन करने के लिए उसे एक कोड लगेगा। क्या आप इस कोड को ध्यान से देख के बता सकते हैं तिजोरी खोलने का कोड क्या होगा? ध्यान से देखिए और आपका आंसर कमेंट कीजिए। चलिए इसका आंसर देखते हैं। इन दोनों नंबर्स का मल्टीप्लिकेशन माइनस ये नंबर आपको सेंटर नंबर दे देगा। जैसे फर्स्ट वाले में 4 इंटू 4 16 हुआ, माइनस 4 मतलब 12 मिल जाएगा। वैसे ही सेकेंड में 5 इंटू 2 10 होगा, माइनस 1 मुझे 9 दे देगा, तो आंसर हो जाएगा 2 इंटू 8 16, माइनस 9 मतलब 7। धमाका सिंह कोड 7 प्रेस करता है तो तिजोरी खुल जाती है। तिजोरी के अंदर धमाका सिंह को एक चाबी रखी हुई मिलती है। धमाका सिंह सोच में पड़ जाता है कि ये चाबी का वो करेगा क्या, शायद ये चाबी उसे बाहर आने में मदद कर सकती है। वो चाबी अपने पास रख लेता है और गुफा में आगे बढ़ता है। गुफा एंडलेस थी, खत्म ही नहीं हो रही थी। धमाका सिंह गुफा में आगे जा रहा था, कभी लेफ्ट जाता कभी राइट जाता। उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा था, हर कोने एक जैसे। धमाका सिंह को आगे बहुत सारे स्टोन्स दिखते हैं। आगे बढ़ने के लिए उसे इन स्टोन्स को फेंकना होगा। टोटल 15 स्टोन्स हैं। धमाका सिंह को 6 स्टोन्स हटाने में 8 मिनट लगते हैं। तो बताइए 15 स्टोन्स हटाने के लिए धमाका सिंह को कितना टाइम लगेगा? ध्यान से सोचिए और आपका आंसर कमेंट कीजिए। चलिए इसका आंसर देखते हैं। 6 स्टोन हटाने के लिए 8 मिनट लगते हैं, मतलब 1 स्टोन हटाने के लिए 8/6 मिनट्स लगेंगे, मतलब 4/3। अब अगर 1 स्टोन को 4/3 मिनट्स लगते हैं तो 15 स्टोन को लगेंगे 15 × 4/3, तो टोटल हो जाएगा 20 मिनट्स। 20 मिनट्स में धमाका सिंह सारे स्टोन को हटा देता है और गुफा में आगे बढ़ने लगता है। ये गुफा एकदम भूल भुलैया जैसी है। धमाका सिंह जग्गा की खोज में गुफा में अंदर फंसते ही जा रहा था। धमाका सिंह के सामने आगे तीन दरवाजे आ जाते हैं। पहले दरवाजे के ऊपर शेर बना हुआ है, दूसरे दरवाजे के ऊपर हाथी बना हुआ है और तीसरे दरवाजे के ऊपर कुछ नहीं बना हुआ है। धमाका सिंह समझ जाता है उसे कौन सा दरवाजा चुनना है, लेकिन कैसे? धमाका सिंह को कैसे समझता है, क्या आप सोच के बता सकते हैं? आपका आंसर कमेंट कीजिए।
धमाका सिंह को तिजोरी में एक चाबी मिली थी, उसपे शेर बना हुआ था। उससे धमाका सिंह समझ जाता है कि उसे शेर वाला दरवाजा चुनना है, लेकिन फिर भी धमाका सिंह शेर वाला दरवाजा नहीं चुनता। क्यों, क्या आप सोच के बता सकते हैं? नीचे ध्यान से देखिए, पैरों के निशान हैं। धमाका सिंह को लगता है कि शायद ये जग्गा के पैरों के निशान हैं। तो वो जग्गा को बचाने के लिए कभी ना खत्म होने वाले रास्ते को चुन लेता है और वहां आगे बढ़ जाता है। जैसे ही धमाका सिंह अंदर जाता है तो सारे स्टोन्स गिरते हैं और रास्ता बंद हो जाता है। धमाका सिंह गुस्से में आ जाता है और एक पत्थर उठा के दीवार पे फेंकता है, तो पत्थर जाके एक मधुमक्खी के छत्ते पे लग जाता है और सारी मधुमक्खियां बाहर आ जाती हैं और धमाका सिंह के पीछे लग जाती है। धमाका सिंह तेजी से दौड़ता है। बाजू में धमाका सिंह को एक पाइप और छोटा सा पानी का पॉन्ड दिखता है। क्या धमाका सिंह को पानी में कुछ इस तरह जाना सेफ रहेगा? आपको क्या लगता है? आपका आंसर कमेंट कीजिए। ये थोड़ी देर के लिए तो सेफ होगा, लेकिन मधुमक्खी वहीं मंडराते रहेगी और उसके बाहर आने का इंतजार करते रहेगी। तो पानी में जाना धमाका सिंह के लिए सेफ नहीं रहेगा। धमाका सिंह और आगे दौड़ता है तो उसे एक बोरी दिखती है। तो क्या धमाका सिंह के लिए बोरी के अंदर घुसना सेफ रहेगा? आपको क्या लगता है? आपका आंसर कमेंट कीजिए। ये भी बिल्कुल सेफ नहीं रहेगा। मधुमक्खियां वहीं मंडराते रहेगी। धमाका सिंह करे क्या, वो और तेजी से आगे दौड़ता है तो उसे सामने जग्गा भी दिख जाता है। जग्गा मधुमक्खियों को देखता है तो धमाका सिंह और जग्गा दोनों दौड़ने लगते हैं। तभी जग्गा को कहीं से लाइट आते हुए दिखती है। जग्गा एक स्टोन लेके जोरों से वहां मारता है तो होल थोड़ा बड़ा हो जाता है और मधुमक्खियां उस लाइट की तरफ चले जाती है। जी हाँ, अगर आप कभी भी किसी रूम में मधुमक्खियों के साथ फंस जाते हैं तो खिड़की या दरवाजा खोल दें। मधुमक्खियां लाइट सोर्स की तरफ जाती हैं। कभी उनके साथ छेड़खानी ना करें। दूसरी तरफ गोगो अपने आउल को लेके अड्डे की तरफ निकल पड़ता है। लेकिन एक मिनट, आउल का नाम क्या है? आपके दिए गए कमेंट्स में से मैंने कुछ नाम शॉर्टलिस्ट किए हैं। इंस्टाग्राम पे जाके फटाफट वोट कीजिए कि आपको कौन सा नाम अच्छा लग रहा है। और अगले फ्राइडे ठीक 1:30 पे तैयार रहे अगले वीडियो के लिए। थैंक यू।